हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, आ चुका है CISF की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपको हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल GD की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से रहेगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो चलिए हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एग्जाम नहीं है तो किन किन स्टेज के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कितना वैकेंसी है, मतलब सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स, CISF स्पोर्ट्स कोटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल GD की पोस्ट के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि CISF क्या होता है। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई है स्पोर्ट्स कोटा से। टोटल सीट्स रहेगा आपका 215। रही बात इम्पॉर्टेंट डेट्स की कि आपको कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आपका फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 30 अक्टूबर 2023 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 28 नवंबर 2023। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 28 नवंबर। 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की जो फी रहेगी, जनरल OBC EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर मैं बात करूं अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनसे 0 रुपीज यानी कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 23 इयर्स यहां पर एज की रिक्वायरमेंट है। एज ऑन आपका 1 अगस्त 2023, मतलब आपका जो एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 अगस्त 2023 के अनुसार, आपका कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल एज होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि कब से कब तक आपका अगर जन्म है तो आप इलिजिबल हो। सो बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 2002 1 अगस्त 2005, मतलब कि 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स का बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है ना, आपकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो इलिजिबिलिटी यहाँ पे सिंपल है, 10+2 पास आउट कर रखा है आपने, साथ ही साथ आपने रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट को, अपने देश को, या फिर कोई इंटरनेशनल गेम्स, स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप इस वैकेंसी को लेकर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेलेक्शन की प्रोसेस जो है आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, दो स्टेज में सिलेक्शन होता है आपका। स्टेज वन में फर्स्ट होगा आपका ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले तो आपका स्पोर्ट्स का ट्रायल लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी मतलब आपको कितनी निपुणता है, आप जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो उसमें। उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन होगा। देन स्टेज टू में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो क्या सैलरी आपको मिलेगा, चलो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग सैलरी विल बी 25,500 एंड आफ्टर पर ईयर इंक्रीमेंट पर्स एंड अलाउंसेस के बाद आपका 81,100 रुपीज की सैलरी दी जाएगी। अप्लाई का मोड क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन आपका इसका जो वेबसाइट होता है ना, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर लेना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 215 टोटल जो सीट्स आए हैं उसको किन किन स्पोर्ट्स के लिए कितना मेल और फीमेल का सीट रखा गया, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्पोर्ट्स वाइज देखें, एथलेटिक्स के लिए मेल कैंडिडेट का 40 सीट्स रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 34 सीट्स रहेगा। बॉक्सिंग के लिए मेल का 4, फीमेल के लिए 6। बास्केटबॉल के लिए मेल का रहेगा 8, फीमेल का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं रखा गया। फुटबॉल के लिए मेल का 7 एंड फीमेल का 0 सीट्स। जिम्नास्टिक के लिए मेल का 2 एंड फीमेल्स का 9 सीट्स। हैंडबॉल के लिए मेल का 5 और फीमेल्स का 0। हॉकी के लिए मेल का 2 एंड फीमेल्स का कोई सीट नहीं आया है। शूटिंग के लिए मेल कैंडिडेट्स 2 सीट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स 1 सीट।
स्विमिंग के लिए मेल का है 6 और फीमेल्स का कोई सीट नहीं है। वॉलीबॉल के लिए आपका मेल का 2 एंड फीमेल्स का 0। वेट लिफ्टिंग के लिए है मेल कैंडिडेट्स का 17 सीट, फीमेल कैंडिडेट 11 सीट रखा गया। रेसलिंग के लिए मेल का है 31 एंड फीमेल का है 16। सो जितना भी सीट है ना उसमें आपको सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स के लिए है, उसके बाद आपको ये रहा रेसलिंग के लिए। टाइक्वांडो के लिए मेल कैंडिडेट्स का 7, फीमेल्स का 0। बॉडी बिल्डिंग के लिए मेल का 14 एंड फीमेल्स का 6। ओवरऑल अगर सीट की बात की जाए तो मेल्स के लिए 147 वाई पर फीमेल्स के लिए 68 सीट्स रखी गई है। सो आई होप कि मैंने जो भी कुछ आपको डिटेल बताया है स्पोर्ट्स के बारे में, जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर सीट्स वगैरह, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। अदरवाइज इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।